उनकी मदद कर सकते हो वो करो, कोई बुराई नहीं है, उसमें भी विचार कर ले जो आपकी इच्छा से, जो आपकी इच्छा। देखो कुछ नहीं दिया गया सर, मेरे पास आप कुछ बोलती नहीं रहोगी, आप केवल जो प्रश्न है उसका उत्तर दीजिए, आपने कुछ समझाया नहीं इनको कि समझा। कोर्ट में सत्य बोलना चाहिए। आपका तो हिस्सा है जो है, माता जी का भी हिस्सा होता है पति की संपत्ति में, वो उस मकान को बंटवा लेंगी आपसे, खड़ी रह जाओगी एक तरफ आप। मेंटेनेंस मेरी का बात समझिए आप, इंटरिम मेंटेनेंस छोड़िए, ये जो ऑर्डर है गलत है। सेक्शन 19 की लैंग्वेज अच्छे से समझ लीजिए, वो लैंग्वेज ऐसी नहीं है कि आप जो है पति के मरने के बाद तो अपने सास ससुर को बर्बाद कर हाँ, सकते कि हो। अभी आप यहाँ झगड़ा करो तो मकान भी नहीं देंगे आपको, ये गारंटी है किसी अपने से। में से कुछ नहीं दे रहे हमारा, फिर क्यों दे अपने में से, दादागिरी से थोड़ी मिलता है। हमारे दो मकान थे, एक मकान मांगी रहने के लिए, पर मकान दे दिया इसको रहने के लिए, मेरा मकान था उसमें कब्जा करके बैठ गया, दो मकान है आपके, टोटल मैं किराए से रहता हूँ। दो मकान है आपके, दो मकान है, एक मकान है, एक मकान है, एक मकान है सर, उसके वो बोल दो रहे हैं, अच्छा बोल रहे हैं, उनको बोलने दो, सब लोग मत बोलो, नहीं आप खड़े रहो, मतलब बोले बोले एक ही है ना। कहाँ दो मकान थे, तो एक मकान मैंने पे थे पप्पू दो को दे दिया, मकान, कटनी कहाँ पे थे दो मकान, में बजरंग कॉलोनी, कटनी, दोनों मकान अलग अलग थे कि अलग एक साथ लगे हुए थे, नहीं नहीं अलग अलग है। बजरंग कॉलोनी कटनी, तो दोनों मकानों का साइज क्या है, क्षेत्रफल क्या है, 30 50 30 50 के दोनों 30-50, 30-50 के बने हुए, बने हुए, और कितना मंजिल के बने हुए हैं, बस एक एक मंजिल के, तो जो बजरंग कॉलोनी में ही दोनों हैं, हाँ तो दोनों में एक में आपका कब्जा है क्यों, एक मैडम उनसे पूछ रहे हैं, सर मेरा एक कब्जा आराम से, एक मकान में आपका कब्जा है। अजय दोनों मकान किसके नाम के हैं, लड़का एक लड़के के नाम का है, तो लड़के के नाम का माने लड़के का नाम क्या है, प्रकाश कुमार अमरवंती, तो प्रकाश कुमार, तो एक मकान में आप रह रही हो, जो जो देखो कोई कुछ नहीं दिया गया सर, मेरे पास आप कुछ बोलती नहीं रहोगी, आप केवल जो प्रश्न है उसका उत्तर दीजिए, जी। अदरवाइज जो इतने वकील बैठे हुए हम किसी को भी भेज के दिखवा लेंगे कि आपका कब्जा है कि नहीं, जी बहुत बड़ा काम नहीं है ये सत्य को सामने लाना। तो ये एक मकान जो है लड़के के नाम का था, और एक मकान आपके नाम का था, हमारी क्या श्रीमती नाम है दूसरा, दूसरा का नाम क्या है आपका, शांति अमरवंश, शांति, तो आपका किसी भी मकान पे कब्जा नहीं, आपका कहना ये है। सर मम्मी के नाम पर एक मिनट आपसे क्या पूछा, आपका कोई किसी एक मकान पे कब्जा है या नहीं, रह रही है, रह भर रही हूँ सर, मुझे वो भी नहीं दिया गया, मैं अरे तो दिया गया, अभी तो रह रही हो ना आप, सर वो बड़ी कोई मुश्किल निकाल से रहा है क्या आपको उसमें से, कोई नाबालिका मैं है सर, आपको मकान क्या बना क्या रही बोल हूँ रहा, चौदह आप साल आपने की, कुछ समझाया नहीं इनको कि समझा कोर्ट में सत्य बोलना चाहिए सत्य बोल रही या हूँ, कम बोलना चाहिए। बोल रही हूँ झूठ नहीं बोल रही सर, मेरे पति की एक मकान आपके कब्जे में है ना, अभी रह रही हो ना, सर नाबालिका मैं, मेरे पति के नाम पे आप अपने उस मकान में रह रही हो ना, टूटा फूटा है सर उसमें रह रही हो ना, जी, रह रही हूँ बस इतना बोलो अभी। जी, अच्छा दूसरा मकान किस पे है, हमारी श्रीमती के नाम नहीं पे, नहीं आपके नाम में है लेकिन वो भी इनके पास ही है, हाँ वो भी इन्हीं के कब्जे में है उसके बारे में क्या कहना है आपका, दूसरे मकान के बारे में, क्या सर, उसमें भी इन लोगों ने ताला लगाए हुए हैं, जेड एड सब कटा हुआ है, मेरे को सिर्फ कटा है जेड एड को जेड भी बना है, जेड, हाँ जेड का मरियल तो बैठा हुआ है, चोरी से आने की इनने सब आप, आपकी क्या इच्छा है, इसको कुछ देना है, कुछ है सर, उसको सब कुछ दे चुके हैं, ये दोनों मकान दे दिए, नहीं दोनों क्यों देंगे, मैडम कहाँ रहेंगे सर ये अरे बताओ, तो ये मतलब रिटायर्ड एम्प्लॉई भी है, कोई बात नहीं, ये साहब झगड़ा करती है इसके वजह नहीं से नहीं हमको आप दो मकान में से एक पानी मकान देना चाहते हो क्या, पूरा इसके नाम करना करना चाहते हो, दोनों में से कोई भी जो चाहेगी सो ले लीजिए, पति का उसी को मिलेगा, हमारा नहीं हमको नहीं नहीं पता, ऐसा नहीं, अरे मान लो एक बना हुआ दे दो इसको, क्यों नहीं दोनों बने हैं, दोनों बोलिए पक्के टूटा मकान फूटा है, रहेगा सर, टूटे फूटे मेरे बच्चों पहले की हम सर, मैं उसी का झूठ बोल रही देंगे, हूँ, वो मेरे बच्चे होंगे दोनों, इन लोगों ने मुझे कुछ भी नहीं दिया सर, खेत तो ये दे तो रहे हैं आपके सामने, बोल तो रहे हैं, दे तो रहे हैं, सर दे जो तो रहे पूरा हैं, मकान वो बोल रहे हैं, पूरा मकान इनने सर जैन कॉलोनी मकान बना लिए हैं दोनों लड़कियों के नाम तो पे, क्या हो गया, नहीं बना है भाई, इनने आपको भी सर कुछ दे रहे हैं, उनके नाम भी बना रहे हैं, क्या करना चाहिए, सर एक अभी इसकी शादी नहीं हुई है, मिनट आप, आपसे पूछ रहे हैं क्या भाई भाई, वो आपको भी दे रहे हैं ना भाई, अदरवाइज जो पति का मकान है, तो पति का मकान हमने इसलिए बुलाया था, पता लग जाए पति की क्या संपत्ति, पति का केवल एक ही मकान है और कोई संपत्ति तो नहीं है, तो पति का जो मकान है वो पूरा देने को तैयार है आपको, अदरवाइज
अदरवाइज आपका तो हिस्सा है, सो है माता जी का भी हिस्सा होता है पति की संपत्ति में, वो उस मकान को बंटवा लेंगी आपसे, खड़ी रह जाओगी एक तरफ आप, और कानूनन कुछ मिलना नहीं है आपको। अभी यदि ये मकान आपको पूरा मिल जाता है तो राजीनामे का जो है इस तरह का आपका फाइनल कर देंगे और एक मकान की मालिक हो जाओगी आप। अदरवाइज कानूनन उस मकान में भी इनका हिस्सा है, और जो पति की प्रॉपर्टी नहीं है उसमें आपका कोई हिस्सा नहीं है आज के कानून के हिसाब से। बाद में कोई सरकार आपके पक्ष में अलग से कानून ले आए तो उसका पता नहीं। आपको को समझ में आया वकील साहब? इसमें इंटरिम मेंटेनेंस मेरी का बात समझिए आप, इंटरिम मेंटेनेंस छोड़िए, ये जो ऑर्डर है गलत है प्राइमा फेसी। अभी आप बहस करेंगे, केवल जो है पति की संपत्ति में ही से इसका राइट मिलेगा। कोई ऐसी सोई संपत्ति जो पति की संपत्ति पिता को नहीं मिली है, आप उससे कैसे वसूल कर सेक्शन सकते हो? 19 ऑफ हिंदू एडॉप्शन एंड एक भी मैरिज जजमेंट नहीं बता पाओगे उसको, देख लिया हमने, ये जजमेंट उसी में लिखा हुआ है, सेक्शन 19 में लिखा। पढ़िए 19 पढ़ के बताइए, सेक्शन 19 की लैंग्वेज अच्छे से समझ लीजिए। वो लैंग्वेज ऐसी नहीं है कि आप जो है पति के मरने के बाद अपने सास ससुर को बर्बाद कर सकते हाँ, हो। पढ़िए। हाँ मेंटेनेंस ऑफ विडो डॉटर इन लॉ ए हिंदू वन ए हिंदू वाइफ वेदर मैरिड बिफोर और आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द सेक्ट शैल बी एंटाइटल्ड टू बी मेंटेन्ड आफ्टर द डेथ ऑफ हर हस्बैंड बाई हर फादर इन लॉ प्रोवाइडेड ठीक है, ठीक एंड टू द एक्सटेंट दैट शी इज अनेबल टू मेंटेन हरसेल्फ आउट ऑफ हर ओन अर्निंग्स और अदर प्रॉपर्टी और वेयर शी हैज नो प्रॉपर्टी ऑफ हर ओन इज अनेबल टू ऑब्टेन मेंटेनेंस। आगे बढ़िए। नंबर ए फ्रॉम द स्टेट ऑफ हर हस्बैंड और हर फादर और मदर और हाँ, बी फ्रॉम हर सेल्फ हर हस्बैंड और हर फादर माने उसके जो भी फादर और मदर होंगे, इसके फादर मदर, लेकिन पति के नहीं, इसके। इसमें ये आगे भी आगे बढ़िए। वो प्रॉपर्टी फ्रॉम फ्रॉम द एस्टेट ऑफ हर हस्बैंड, द एक स्टेट ऑफ हर हस्बैंड और हर हाँ, फादर और और नेक्स्ट में आ जाइए, मदर और नेक्स्ट में आ जाइए, फ्रॉम हर सन और और डॉटर डॉटर इफ एनी इज आर हिज और हर स्टेट। हर स्टेट। अभी जो है इसको जो मिलना है, ये आपको एक मकान देने को तैयार है, वो ले लीजिए, बकाया आपका कुछ मिलना नहीं है। इनफैक्ट मतलब इसके बाद एक जजमेंट है क्लियर कट, देयर इज क्लियर कट जजमेंट इन दिस वही तो, पति की संपत्ति उसको मिली है, उसके अंदर अपना करे जो करना है, उसके अंदर किराएदार बसाए, कुछ करे। शी अरे इज अनेबल टू मेंटेन हर सेल्फ तो मैन क्या करे, अपने बाजार में जाके कोई काम करे। भाई कोर्ट है सेम समस्त है सेम अभी आप मार्केट भाई, मैं देख रहा देयर था, आप सुनिए, इज हिज मॉरल भाई रिस्पांसिबिलिटी इज आल्सो देयर माय ऐसा एक्ट। नहीं होता। मान के चलो ये अभियाल कल को स्वर्गवासी हो गए तो तब क्या करेगी वो? अरे आप उसको एक मकान दिला रहे हैं, क्लियर कट जो है उसका जीवन भर का जो है भरोसा हो जाएगा उसको, नहीं तो कल को उस मकान को ये बेच देंगे, क्या इनके करेगी? इनका तो इनका एक ही इकलौता पुत्र था माया। क्या करें, आज के लॉ के हिसाब से क्या हिस्सा है इसका? ये जो इनका हिस्सा है इनका, माताजी का हिस्सा है, वो भी छुड़वा देंगे? नहीं समझ में आया भाई, उस मकान में जो इसके पति का है उसमें माता जी का भी हिस्सा है, तो यस छुड़वा देंगे इनसे, ये अकेली मालिक हो जाएगी उसकी, क्या प्रॉब्लम है इसमें आपको? भाई इनफैक्ट बट माने मेंटेनेंस इज टू टू आप टू देखो, थाउजेंड अभी ये डॉलर बोल रही है पर मुझे कुछ भी नहीं दिया, कह रही है ना, तो अब वो देने को तैयार है एक मकान 30x50 केवल का, एक मकान में रह रही तो हैं। क्या करे रहने के साथ खाने पीने का? वही देखिए, पूरा नहीं दे रहा सर, अब आप चार नहीं पूरा देंगे, पूरा बोल तो रह रही है पूरा देंगे, 30x50 का भी पूरा नहीं दे रहा सर, जो मेरे पति के नाम पे है आधा, तीस बाई वो तीस तीस का बाई पचास का पूरा देंगे ना, कह तो रहे हैं बोल तो रहे, अभी आधा बोल रही है, हम आधा देंगे, आधा नहीं पूरा पूरा मिलेगा आपको, अब पूरा कौन सा वाला लेना है जहां हम रह रहे हैं वही वाला पूरा, तीस दो बाई पचास का पूरा मिलेगा आपको। अभी बना बोल दे, दिया, मेरा है, लड़का का है, लड़के वाला, लड़के वाला पूरा मिलेगा आप, उसमें गड़बड़ी नहीं कर सकते। इस पर विचार कर लीजिए वकील साहब, इसको बड़ा अर्जेंट कर देते हैं अभी एक दो दिन के लिए, अदरवाइज वो यदि ये इसमें इसमें क्या हमने भी ऑर्डर, लगाया हुआ माइलर देखिए इसमें क्या ऑर्डर होगा मुझे नहीं मालूम, लेकिन 30x50 का एक मकान मिल जाएगा, इसके भी काम आएगा, इसके बच्चों के भी काम लेकिन आएगा, ये माइलर और फ्री इसका फ्रॉम, फ्री फ्रॉम, दिस अनवर्ट हैज डिसाइडेड मतलब आप मकान लेना नहीं चाहते क्या? मकान तो चाहता हूँ माइलर मकान चाहते हो तो फिर, लेकिन ये है कि मकान चाहते हो तो मेंटेनेंस भी नहीं, देखेंगे। मेंटेनेंस के संबंध में लॉ आपके फेवर में नहीं है,
मेंटेनेंस के संबंध में माला जो आप उसकी वो जो कमा रहा है उससे आप थोड़े पैसे ले सकते हो। इवन माला वन कोर्ट हैज सेड माला दैट विडो मींस द वर्ड विडो वुड इंक्लूड द माइनर एंड चिल्ड्रन हु आर स्टेइंग विद देयर मदर। भाई मोरली मोरली वो देना चाहेंगे सो दें, लेकिन आप उनको वो थोड़ी कर सकते हो, फोर्स थोड़ी कर सकते हो। देयर इज जजमेंट इन दिस रिगार्ड क्या मॉरली मैं पढ़ दूं बताइए कौन सा जजमेंट है। पैरा सिक्स कि आफ्टर डेथ ऑफ हर हस्बैंड इनको उसको जो है सब कुछ करना ही पड़ेगा। पैरा सिक्स में फोर फाइव एंड सिक्स भी मांगा लेकिन राइट द राइट ऑफ हिंदू विडो टू क्लेम मेंटेनेंस वाज देयर इवन कौन सा पैरा पढ़ रहे हैं। पैरा सिक्स The moral obligation of the father-in-law to maintain the widowed daughter-in-law also exists. भैया इसके अंदर लिखा हुआ है वो co-partner था, property थी उसकी, आप बिल्कुल अलग बात चल रहे हैं, इसके फैक्ट ही अलग हो जाएंगे। इसके अंदर उस प्रॉपर्टी के अंदर वो क्या था, हस्बैंड जो था वो एक प्रॉपर्टी थी, उसका co-partner था, और अभी उसका बंटवारा नहीं हुआ था, तो बिकॉज co-partner था और उसका बंटवारा नहीं हुआ तो उस लाइट में जो प्रॉपर्टी उसकी थी, प्रॉपर्टी इनकी एक्सक्लूसिवली जो जो ये दे रहे हैं केवल इनके हस्बैंड की है। नहीं हस्बैंड की थोड़ी, हस्बैंड के मरने के बाद इनके हस्बैंड की मापे भी जाती है, क्लास वन ईयर है। आप इस जजमेंट को कहां से लगा लोगे? ऐसा कोई जजमेंट आप सिंगल जजमेंट ले आइए कि जो है आफ्टर डेथ ऑफ हर हस्बैंड She is entitled for receiving the maintenance amount from her father-in-law, even if there is no property left by husband. ऐसा जजमेंट बता दीजिए कोई हो तो। आप ऐसे जजमेंट लगा रहे हो जो आपके खिलाफ है बल्कि ये तो। In fact, ये दोनों के लिए applicable होगा, क्योंकि माँ के लिए भी निकाल। ये आप आपके आपके खिलाफ तो मैडम उस दिन जो निकाला था ना एक जजमेंट इस पॉइंट पे है क्या अभी? ये आपके खिलाफ डेनो जजमेंट हमने पहले देखे थे। हरियाणा हाई कोर्ट का है। और देखिए ऑप्शन ऑप्शन इज विद यू, आप मकान लेना चाहते हो, राजीनामा करना चाहते हो या लड़ना चाहते हो जिंदगी भर, तो इसको एक हफ्ते बाद रखो, क्योंकि अभी आप मकान तो अपना सेफ करो भाई, अभी आप यहाँ झगड़ा करो तो मकान भी नहीं देंगे आपको, ये गारंटी है, परेशानी होते रहोगे। अरे हो ही नहीं सकता ऐसा मेरा खुद का मानना है, अदरवाइज ऐसा जजमेंट यदि हो गया फिर तो जो है कोई किसी को चैन से जीने ही नहीं देगा। ऐसा नहीं, आपको आप बोलने की जरूरत नहीं आपको। सर मेरे बच्चों को पालन पोषण का लगा सर 6 महीना हो गए, इन लोग कुछ भी नहीं दे रहा मेरे लिए नहीं। अरे आपको मकान मिल तो रहा है, उस मकान में आगे किराएदार बसा दीजिए और सर इसे लोन ले लीजिए, आप कुछ काम करिए, ऐसा थोड़ी होता है। आप कुछ काम भी करिए, ऐसा थोड़ी होता है कि अब इनके इनके ऊपर भरोसे रहोगी, पति एक्सपायर हो गया मकान छोड़ गया आपके लिए, दे रहे हैं क्लियर कर रहे हैं मकान, और क्या चाहिए भाई। सर अभी मेरा 6 महीना का खर्चा लगा है और इन लोग आप, ना मेरे बच्चों के लिए दिलवाइएगा आप। इन्होंने जो इससे मांगा हो मैंने उसको कंप्लायंस सब ठीक लेगा, अभी तक इन्होंने एक भी मेंटेनेंस नहीं कुछ नहीं किए सर, और ना मेरे को दिया दिए ना कुछ नहीं। 10,000 का आदेश है, अलग बात है, पहले आपस में ये देखो मकान चाहिए या नहीं चाहिए, बकाया इसका डिसीजन हम कर देंगे, हमें कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। वो तो इनके इंटरेस्ट में ये इनको बुलाया था कि अल्टीमेटली क्या हो सकता है, और बकाया कुछ इनके बच्चों के लिए क्या मन में इच्छा है वो कर दीजिए, क्योंकि आपके नाती पोते हैं, आपका बेटा एक ही था और भी हैं, एक बेटा है, कितने बच्चे हैं आपके? दो, एक बेटा एक बेटी, वो भी है। कुछ जो उनकी मदद कर सकते हो वो करो, कोई बुराई नहीं है, उसमें भी विचार कर लें, जो आपकी इच्छा से, जो आपकी इच्छा। सर मेरे बच्चे आए हैं, बच्चों से पूछने अरे जा, अभी अभी क्या आप लोगों बच्चों से पूछिए सर, मैं झूठ बोल रही हूँ। अभी आप लोगों के संबंध में तनाव है, जिस दिन तनाव खत्म हो जाएगा जो ये समस्या खत्म हो जाएगी, फिर ये जो है अपनी गोदी में बैठा के खिलाया करेंगे दादाजी जो है। जैसे अभी आपके बीच में तनाव है, जिस दिन तनाव खत्म हो जाएगा तो आप लोग एक दूसरे के घर में बैठ बैठ के जो है अभी आगे भी रहोगे इस तनाव को खत्म करने के लिए, ये वाली बात ठीक है, अभी विचार करो आप लोग, ये मैटर निबट जाएगा है ना, और जिस दिन तनाव खत्म होगा ये भले ही बहू से मिले ना मिले, बच्चों से जरूर मिलेंगे, तो बाद में आने।
ऐसे मत करो, बताओ आपके दादा दादी हैं, जबरदस्ती कुछ नहीं ले पाओगे आप इनसे, जबरदस्ती नहीं ले सकते, प्यार से सब मिल जाएगा। थोड़ा झुको, मकान ले लो फिर थोड़ा सा झुको, उनके जाके सेवा किया करो। ऐसे आपको ये सब कहने की, अपनी घर की बात घर में रखिए। सर जब जो पेट्रोल जला के आग ही लगा के मार सकते हैं बहू को, जब पति नहीं रहेगा तो बच्चे किसके होंगे? अरे तो आपको मकान दे रहे हैं, अपने घर में अलग रहो। क्लियर कट जजमेंट आपके खिलाफ है, इसलिए कह रहे हैं। ये जजमेंट आपको लाभ नहीं देगा। ये जो हमने दिया इसे मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, अरे मोरल मोरल तो मोरल होता है, मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जाए वहां पे जाके इनकी सेवा करे। ये मोरल और मोरल मोरल का जो है पार्ट तो खत्म हो गया। नैतिक शिक्षा की जो किताब चलती थी आपके जमाने में, वो खत्म कर दिए शासन ने। नैतिक शिक्षा जिस दिन आ जाएगी उस दिन लोग मोरल ड्यूटी समझेंगे। सेक्शन 19 से आपको लाभ नहीं मिलेगा, देख लीजिएगा। अपने खिलाफ कुछ जजमेंट देख लिया आप, अपने फेवर का जो जजमेंट लाया वो ठीक नहीं है। क्लियर कट जजमेंट्स हैं इस बात के लिए कि सेक्शन 19 वहां ही लगेगा जहाँ आपके उसके पति ने कोई प्रॉपर्टी नहीं छोड़ी है, और जो छोड़ी है वो पूरा दिला रहे हैं इसको, इससे ज्यादा नहीं कर सकते हैं। आपको चाहिए तो ठीक है, विचार कर लीजिए लीगल पोजीशन अच्छे से। अपने में से कुछ नहीं दे रहे हमारा, फिर क्यों दे अपने में से? दादागिरी से थोड़ी मिलता है, देंगे बाद में और विचार करेंगे। वो कह तो रहे हैं भाई भाई। लड़कियों के नाम पर पूरी प्रॉपर्टी कर देंगे, कुछ नहीं बचेगा तो क्या मिलेगा मेरे लड़के? साहबदार इनके खेत भी बेचे हैं, इनके पास बहुत सारा है, बहुत सारा है, बहुत सारा है सर। मैं बोल रही हूँ मेरे बच्चे हैं। आप अपना देखो, दूसरों की तरफ मत देखे। एक मकान बहुत होता है 30x50 का, कई लोगों के पास नहीं है एक मकान। मेरी लड़की विधवा है, नहीं है। ठीक है, आप लोग ध्यान रखिए, कानून से जो इनको मिल सकता है देख लीजिए। कौन से तारीख लगा दें? नेक्स्ट वीक कर देते हैं। एज जॉइंटली प्रेयर लिस्ट इन दी वीक कमेंस फ्रॉम 4 लगा दें, 4 है या तारीख लगा दें? 4 एज जॉइंटली प्रेयर 5 को लगा, एज जॉइंटली प्रेयर लिस्ट ऑन 5 टॉप ही है, आप लोग बता देना। नहीं लगे तो है ना, राजीनामा करो और इसमें मकान दो इनको क्लियर कट। मकान में कोई है इफ एंड बट्स नहीं होगा। बच्चों के लिए अगर बकाया आप जरा दादाजी सोचिए जरा बच्चों के बारे में, है ना। कुछ महीने का फिक्स कर देना जो भी आपको अच्छा लगे। कोर्ट का हम कोर्ट का ऑर्डर खत्म कर देंगे। आप अपने मन से चूंकि आप पेंशनर हो और आपको करना क्या है, दो जो है मियां बीबी हो आप, अरे आपकी बच्चियां हैं वो भी तो उनके हाथ पैर हैं, करेंगी वो कुछ? तो शादी करूंगी तो पैसा कहां से लेते हैं? थोड़ा बहुत कुछ देते रहे ना अभी तो ना, थोड़ा बहुत देते रहे कभी नहीं, थोड़ा बहुत विचार कर लेना है। दे देंगे सर, बैठ हो गया, बोलते हम हो गया 50 रुपए। हाँ बता दीजिए क्या है, कहाँ से हम बच्चे खड़े हैं? आप बात करना, थोड़ा विचार करो। दादा दादा आपका आपको तो देना ही है, बाद में देना अभी दे देना क्या फर्क पड़ेगा? ये बताइए, हम तो समझते हैं, हम समझ रहे हैं, हम भी समझ रहे हैं। बाबू ने अपने पति को नहीं समझा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, है ना। फिर भी देखो, फिर भी आपको उसी तरफ झुकना पड़ेगा, आपका पोता है। ठीक है ठीक है, 4-5 तारीख को आइए।